अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जा रहे थे कलेजी बनाने। तो कलेजी बनाने के लिए यहाँ मैं साबुत मसाले ली हूँ, दो छोटी इलायची, दालचीनी, छोटी काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक कुकर में ऑयल को गर्म कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें साबुत मसाले को डाल दूँगी। इसमें डालने के लिए मैं यहाँ पर स्लाइस को कट कर लिया अनियन को, इसे हम डाल देंगे। प्याज को हम गला लेंगे, इसे ब्राउन करेंगे। प्याज गल चुकी है, अब हम कलेजी को इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, इसकी चला देंगे। अब हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक डालकर इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे। जब तक हम इसकी भुनाई कर रहे हैं तब तक हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं लहसुन, अदरक और प्याज की स्लाइस ली हूँ, और यहाँ पर मैं तीन लौंग ली हूँ, काली मिर्च ली हूँ छः सात, दो इलायची और ज़ीरा। इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे। इसकी ग्रेवी हमें रेडी करनी है। कलेजी की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। देखिए कलेजी तेल हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। पेस्ट हम डाल चुके हैं, साथ ही साथ हम इसमें टोमेटो डाल देंगे। और यहाँ पर मैं ली हूँ हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर, इसे भी हम डालकर एक बार फिर से अच्छे से इसे चला लेंगे। मैं यहाँ सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब हम इसमें प्रेशर कवर लगा देंगे। प्रेशर कवर लग चुका है, एक सीटी में बहुत अच्छी तरह से कलेजी गल जाएगी, क्योंकि हम इसे पहले से ही इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई बहुत टाइम तक कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए कलेजी अच्छे से हो चुकी, भुनाई भी इसकी हो गई है, कलेजी गल भी चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी देर हम इसे फिर पका लेंगे। देखिए कलेजी पक रही है, बस ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम इसे निकाल कर आप लोग को दिखाएँगे। देखिए मैं प्लेट में निकाले हैं, अब इस पर धनिया पत्ती की गार्निशिंग कर दूंगी। कलेजी रेडी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।